इस विसर्जन पर भक्त नाचते गाते गणपति को विदा करते हैं और उनकी प्रतिमा को पवित्र नदियों में विसर्जित कर देते हैं। जाते जाते गणेश भगवान अपने भक्तों की सारी मुरादें भी पूरी कर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर गणपति बप्पा का विसर्जन क्यों किया जाता है? गणेश विसर्जन पर भक्त नाचते गाते गणपति जी को विदा करते हैं और उनकी प्रतिमा को पवित्र नदियों में विसर्जित कर देते हैं। जाते जाते गणेश भगवान अपने भक्तों की सारी मुरादें भी पूरी कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है आखिर गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? 10 दिन पूजा करने के बाद गणपति जी की प्रतिमा को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है? आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से बताती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से श्री गणेश को महाभारत कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। इस दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया। ऐसे में वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडी पानी से स्नान कराया। कहते हैं कि इसीलिए गणेश स्थापना का चतुर्दशी को उनकी शीतल किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। भगवान गणेश की उपासना चतुर्दशी तिथि तक होती है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि की जाती है और विसर्जन चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते हैं। स्थापना से ज़्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत सुख फल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। गणेश विसर्जन के समय एक भोजपत्र या पीला कागज में अष्टगंध की स्याही या नई लाल स्याही की कलम भी ले। भोजपत्र या पीले कागज को सबसे ऊपर स्वास्तिक बनाए। इसके बाद स्वास्तिक के नीचे ओम गण गण करपते नमः लिखे। फिर क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखे। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखे, फिर गणेश मंत्र लिखे। सबसे आखिरी में स्वास्तिक बनाए, कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध गणेश जी को समर्पित करें। इस कागज को भी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर दें। फिर आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति जाएगी। दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों क्या आपने भी अपने घर पे गणपति बप्पा की स्थापना की है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।